अपनी इनको प्लेटफॉर्म से तुसा दा मेज़बान अब्दुल वहीद बिस्मिल ते प्रोग्राम इनको कहावतां ते मुहावरे ते पिछली बार असां अपने प्रोग्राम विच लफ्ज़ जिहड़ा इस्तेमाल किया या उस नाल जिहड़ियां जिहड़ियां कहावतां जुड़ी दियां ओह ते अज लफ्ज़ इस्तेमाल करदे आ जिहड़ी दे लफ्ज़ नाल शुरू होने वालियां या जुड़ी दियां कहावतां ओह तुसां सामने पेश कर सां। पहली कहावत है जी, जिहड़ी बड़ा अछणी बुनाई अछणी। अच्छा, इस बिच अमूमन ये साड़ा गलियात साइड से जिहड़ी इनको बोली जुड़ती है ये उसका मतलब है ना लहजा इस्तेमाल करने अछणी तो बुनो अछणी ये मतलब है ना ये दो लफ्ज़ बुनो भी ते बुन मतलब है ना तैं बने बुन ये असी इस इलाके साड़ी इनको जिहड़े ने ये डायलैक्ट या ये लहजा इस्तेमाल किया जुड़ता है। तो जिहड़ी बड़ा अछणी यानी जो मुसीबत भी आती है वो नीचे से आती है, यानी उर्दू भी अगर असी आखा तो इस तरह आखसा तो जिहड़ी गोबे के असी आखा तो इसका थोड़ा जहा मना बदल जुड़ता है कि जिहड़ी बड़ा आती है उत्तल अंदर हो जाती है, यानी कोई नवी चीज़ कोई नवा फैशन कोई नवी सोच कोई नवी गल कोई एक नवा तरीका अगर ये आंदा है तो ये देहातों में उतों तो मुराद ग्रां तो उत्ते पहाड़ा पहाड़ा ना ही अमूमन मतलब ग्रां शरां जन बहुत ज़्यादा मतलब ना साड़ा इलाका ही पूरा पूरा जो ननको बोलने वाला है ही पहाड़ी इलाका ज़्यादातर तो ये इस तरह मतलब ना पुराने जमाने तो ये चली आ रही है कि अगर कोई नवी चीज़ आती है तो ये तलां दर आती है, यानी इस तो असं ये भी मुराद कहते हैं कि शहरी इलाके शहरी इलाके उन्होंने कोई तब्दीली कोई नवी चीज़ आती है तो उधरों ही आती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जड़ी जाई का पत्ता वो ही जा खत्म, ये असं कदों बोलते हैं, या जिस भराऊ का पत्ता वो ही भरा खत्ता, इतने और भी मुझ लफ्ज़ इस्तेमाल जाई जाई तो मुख्तलिफ अपने अपने तौर पर बस जाइया तो एक लफ्ज़ बोला जुलता है, बसा तो दुनिया दूसरा बोला जुलता है। तो अमूमन यही है कि जिस जाई का पत्ता वो ही जा खत्ता, यानी ये असं उसे बोलते हैं जदों किसी बड़ी एतबार वाली जगह तो जिस तरह बड़ा एतबार हो कि भाई इस को गए पैसे चाहिए उधार चाहिए यार बंदा बड़ा अमीर है तो उसकी इमारत का तो पता है तो उस को जुल के असं मतलब पैसे मंगने उधार मंगने बंदा कोई बहाना कर जुलता है नहीं देता, या मतलब ना कोई बूह बड़ा और ताकत वाला बंदा है उस को अपनी कोई मतलब ना उस नाल अपनी इमदाद मंगते हैं माशरती तौर उत्ते घरेलू तौर उत्ते कोई इमदाद मंगते हैं जिरगे दी या किसी चीज़ की इमदाद मंगते हैं तो वह अगर बहाना कर जुलता है तो उस वे आखते हैं छोड़ा यार दसते होने जिड़ी जाई का पत्ता वो ही जा खत्ता जी, यानी बाज़ात ज़्यादा एतबार करने वाली जाए तो ही आदमी अक्सर धोखा खा चुलता है। अच्छा, अगली कहावत है जी, जिड़ी जाई जो कि ठिगड़ी लाई वो जा नंगी रही। अच्छा, इस ते माने ते मैं तुसा इस ते तशरीह ते मैं करना, लेकिन पहले गल याद दिला के ना कि तुसा आपड़ी इनको दे चैनल हाँ अगर हले तानू सब्सक्राइब नहीं कीता या लाइक नहीं कीता ते तावले तावले करके ना, ठीक है, क्यों जे अगली फिर मैं तुसा कहावत दा मफहूम दसने लगेगा जी। हो गया करके दे, ठीक हो गया। हाँ जी, तो जिड़ी जाई जो कि थिगड़ी लाई वो जा नंगी रही, ये असी कदों बोलते हैं? हाँ जी, ये उस वेले बोलते हैं कि जदों बावजूद बड़िया कोशिशों के बड़ी तगोदो दे बड़िया मेहनतों के असी अपने मकसद में कामयाब न होगा तो फिर उस वे आखते हैं ओ यार गल तो ओ ही होई ना जिस जाई जो कि थिगड़ी लाई वो जा नंगी रही, यानी जिस मकसद वास्ते मेहनत की जिस मकसद वास्ते कोशिश की वो मकसद पूरा ना हो गया जी। तो अगली कहावत है जिहड़ी चावल खाती है वो मोले भी सहंदी। अच्छा, इस नाल थोड़ी जी मैं तफसील दसने की लोड़ पैसी, आम तौर पर इसका मकसद अगर एक दो लफ्जा में एक दो जुमलों में अगर माना के ना तो होंगे कि हर तकलीफ जी है ना हर आसानी वास्ते हर मतलब ना कम को हासिल करने वास्ते किसी मकसद को किसी फायदे को हासिल करने वास्ते तकलीफ उठानी पैंदी है, जनरल माना तो इसका यह, लेकिन थोड़ी इस नाल तफसील है कि मोले सहना तो चावल खाना ये इस नाल रिलेट किस तरह होंगे कि पुराने जमाने में पता जो आपकी ताही होंगी असी ना ओथर में तो असी ताही जी है उतो आते घर तो फिर घर एक बड़े सारे बटे बे मतलब एक छोटा जहा सुराख इस तरह बने उस चट्टू आखते ना तो मोला एक लकड़ी का मतलब बने का इतना जहा उस दस्ता लगे तो हमें अगे इतनी इतनी जहा मोटी तो इतनी लंबी तकरीबन मतलब दो फुट ढाई फुट तकरीब लकड़ होंगी उसके दरम्याना में थोड़ा जहा जा कटी दी होंगी है इस तरह ना उसको मार दिन तले चटुआ वे तो उस ताही कुटन होंगी है, यानी ताही के उत्ते जोड़े आते ना छड़
ਉਹ ਟੂਸ਼ੇ ਉਸਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਜੁਲਦਾ ਅਤੇ ਮੋਹਲਾ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜੁਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਰਸੀ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਉਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਸੀਹਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।